नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपको शौच के रास्ते में दर्द होता है या जलन होती है या इचिंग होती है? क्या आपको शौच के रास्ते से कभी ब्लीडिंग होती है? या फिर आपको शौच के रास्ते में ऐसा महसूस होता है कि कुछ गुच्छा या कुछ गांठ से निकली हुई है? अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको है तो दोस्तों आपको पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है। दोस्तों पाइल्स एक बहुत ही कॉमन समस्या है, काफ़ी लोग पाइल्स की वजह से अफेक्टेड होते हैं। आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद में ये प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, होम्योपैथी में पाइल्स का बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और 100% रिजल्ट्स हैं। हम आपको होम्योपैथी कुछ सिर्फ 3-4 ऐसी दवाइयाँ बताएंगे जो दवाइयाँ यूज़ करके, अगर आप शुरुआत से ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सर्जरी करवाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो पाइल्स की समस्या है वो काफ़ी हद में ठीक हो जाएगी। हमारे जो क्लिनिक में पाइल्स के बहुत केसेस आते हैं और 95-99% केसेस ठीक हो जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों पाइल्स की पहली दवाई है सल्फर 200। ये दवाई आपको सिर्फ 2 दिन लेनी है, वो भी सुबह सुबह खाली पेट में। 2 दिन लेने के बाद इस दवाई को आपको बंद कर देना है। सेकंड दवाई है एस्कुलस हिप। ये दवाई भी आपको 200 पावर में सुबह सुबह खाली पेट में लेनी है, यानी सल्फर जिस दिन आप ख़त्म करेंगे उसके अगले दिन से 7 दिन तक आपको ये दवाई लेनी है सुबह सुबह खाली पेट में 2 बूंदे। दोस्तों ये दवाई जिन लोगों को कमर दर्द रहता है पाइल्स के साथ साथ उनमें बहुत अच्छा काम करेगी। इसके बाद हमारी तीसरी दवाई है रेथेनिया। रेथेनिया पाइल्स की रामबाण दवाई है। जिन लोगों को पाइल्स रहता है उनको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि जब वो शौच करके आते हैं तो शौच के रास्ते में बहुत सीवियर बर्निंग पेन, जिसको जलन हम लोग बोलते हैं, वो रहता है। काफ़ी देर तक रहता है। बिल्कुल, और तो उसके लिए रेथेनिया रामबाण के जैसे काम करती है। इसके लिए आप रेथेनिया 30 की 2 बूंदें हर 1 घंटे में लें लगातार 3 दिन तक। उसके बाद जब आपका जो बर्निंग पेन जलन कम हो जाएगा, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर आप उसको 2 बार कर दें, सुबह और शाम को खाने के आधा घंटा बाद आप 2 ही बार करके लें। फिर इसके बाद हमारी अगली दवाई है नाइट्रिक एसिड। ये दवाई दोस्तों पाइल्स में जो दर्द होता है उसके लिए एक तरह से जादू की तरह काम करती है। खास करके पाइल्स में जो चुभन वाला दर्द होता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। दर्द भी ऐसा महसूस होता है कि शौच के रास्ते में कुछ कांच का टुकड़ा जैसा चुभा हुआ है। बिल्कुल, और साथ साथ में पाइल्स में जो इचिंग होती है यानी जो खुजली होती है उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस दवाई की नाइट्रिक एसिड की 30 पोटेंसी आप दिन में 2 बार सुबह और शाम को ले, आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स में आराम मिले। लेकिन अगर किसी को ब्लीडिंग भी रहती है तो एक और दवाई उनको ऐड करनी है, यह है हेमामेलिस मदर टिंचर। पाइल्स में काफ़ी लोगों को ब्लीडिंग भी रहती है तो ब्लीडिंग के लिए हेमामेलिस बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। इसकी 10 बूंदें आपको दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के आधा घंटा पहले लेना है, तो आपकी जो ब्लीडिंग है ना वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो आप इस दवाई को भी बंद कर दें। तो दोस्तों ये दवाई आप ज़रूर से लें, आपको पाइल्स की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत हद तक आराम मिल जाएगा, पाइल्स आपका खत्म हो जाएगा। और ये दवाई है दोस्तों, जब भी आपको पाइल्स का पहला लक्षण दिखे आप तभी से आप इसको स्टार्ट करें। आप वेट मत करिए कि आप थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद आप ले, इस चीज़ का वेट मत करिए। और एक बात और ज़रूरी बात, देखिए पाइल्स का सबसे बड़ा जो कारण होता है ना वो कॉन्स्टिपेशन होता है, हार्ड स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है शौच के लिए और पेट साफ नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा एक वीडियो है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें, लिंक नीचे है। तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से आपको नॉर्मल करना है। तो ये चीज़ जब आप कर लेंगे, पाइल्स का जो मेन कारण है उसको आपने ठीक कर लिया, फिर आप ये दवाइयाँ लें तो आपका पाइल्स का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा और कभी होगा नहीं आपको पाइल्स। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।